हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मौसम समाचार के इस वीडियो में। यहां पर जानेंगे आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव की ताजा मौसम की अपडेट। आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक मेरी शिकायत है, वीडियो तो सभी लोग देखते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा का मौसम। वहीं आपको बता दें, देश में बारिश से बढ़ेगी ठंड। वहीं हरियाणा की इन जगहों पर बारिश की संभावना। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से अगले एक दो दिन में मैदानी इलाकों में बारिश होगी जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में अगले दो दिन में बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। वहीं यूपी बिहार में भी कोहरे का कहर जारी है, यहां भी 15-16 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ और वहीं हरियाणा में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले दो घंटे में हरियाणा के हिसार, हांसी, तोसाम और जींद करनाल के आसपास इलाकों में गरज के साथ अगले दो घंटे के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, कैथल और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर भी हल्की बारिश बूंदाबांदी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, करनाल जिले में मौसम के बदले तेवर हुई बारिश, अभी दो दिन ऐसा रहेगा मौसम। जी हां, मौसम के तेवर बदल गए हैं। कुछ देर रात हुई बरसात के बाद ठंड बढ़ गई है, तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की गई। हालांकि शनिवार सुबह से ही मौसम खुशगवार रहा है लेकिन धूप नहीं निकलने के कारण सर्दी का असर भी साफ महसूस हुआ है। जानकारों का आकलन है कि अभी बारिश के गया तो दौर और देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, शनिवार और रविवार को बरसात की स्पष्ट संभावना है। इसी के अनुरूप शुक्रवार की देर रात से शनिवार अल सुबह तक क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। आंकड़ों की बात करें तो करनाल और आसपास के इलाकों में 2.6 mm बरसात दर्ज की गई है। इससे जहां ठंड में इजाफा हुआ है वहीं तापमान में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। शनिवार सुबह अधिकतम तापमान का स्तर 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसी बीच शनिवार को मौसम में बदलाव के कारण धूप नहीं निकली। हालांकि अभी तापमान में इतनी गिरावट नहीं आई कि ठिठुरन महसूस हो सके। जानकारों का स्पष्ट आकलन है कि बरसात के अगले एक या दो दौर के बाद ठंड में इजाफा होना तय है, खासकर 15 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला थमने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की स्पष्ट आसार हैं। तो जी हां भाइयों, आप सभी के लिए हरियाणा की मौसम समाचार की अपडेट कैसी लगी? अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।